सब्सक्राइब कीजिए इज माई कार सर्च चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए सारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इज माई कार सर्च। मैं हूं आपका दोस्त सुनील और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाटा टियागो में आने वाली वाइब्रेशन साउंड एनवीएस लेवल और उसके साथ ही जो उसके ट्विटर्स और डैशबोर्ड से जो रैटलिंग साउंड आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि इसकी क्या सॉल्यूशंस हैं और क्या अभी भी ये टाटा टियागो में 2018 में टाटा टियागो आ रही है उसमें भी ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इसके लिए हमें तीन बातें जाननी जरूरी है कि पहला नॉइज जो है वो है इंजन का नॉइज और दूसरा है इसका गियर नॉब का वाइब्रेशन और तीसरा प्रॉब्लम है इसके डैशबोर्ड से आने वाला साउंड और ट्विटर से आने वाले रैटलिंग साउंड। तो पहला जो सलूशन टाटा ने प्रोवाइड किया है वो ये है कि इसका जो एयर फिल्टर असेंबली है उसको वो लोग रिप्लेस कर रहे हैं। पहले जो एयर फिल्टर असेंबली आती थी पुरानी उसमें कोई भी स्क्रू नहीं होते थे उसके अराउंड, जिसके वजह से वो काफी सारा वाइब्रेशन का साउंड देता था। तो अभी वो लोग एक नया एयर फिल्टर असेंबली लेके आए हैं जिसमें कि 4 स्क्रू से और ज्यादा टाइट किया जा रहा है, जिसके वजह से एनवीएस लेवल या जो साउंड आ रहा है केबिन के अंदर उसमें काफी सारा अंतर आया है। और ये नई एयर फिल्टर असेंबली लगाने के बाद आपकी कार की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है। तो आप जरूर टाटा के सर्विस सेंटर से कांटेक्ट कीजिए अगर आपके पास टियागो है और आपको ये इशू फेस करना पड़ रहा है, वो लोग आपके एयर फिल्टर असेंबली को चेंज कर देंगे। दूसरा चीज ये है कि इसमें जो गियर नॉब का वाइब्रेशन इशू आता है उसको कैसे ठीक करें। गियर नॉब का वाइब्रेशन इशू अभी जो टाटा टियागो आ रही है उसमें थोड़ी कम है, लेकिन पहले जो आती थी 2016 में लॉन्च होने के साथ और 2017 में उसमें काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये वाइब्रेट करता है बहुत ज्यादा। उसका भी एक सलूशन है कि जो वायरिंग जो है गियर से इंजन की तरफ जो जाती है जो वायर्स हैं कनेक्शन है उसको आप एक प्लास्टिक स्ट्रैप से मैकेनिक को बोलिए को प्लास्टिक स्ट्रैप से उसको कस के बांध दें। उसको कस के बांधने के बाद आपका जो गियर नॉब का वाइब्रेशन वो काफी कम हो जाता है। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिए, काफी सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। और तीसरा जो इशू है वो ये है कि इसका जो डैशबोर्ड से साउंड आता है इसके ट्विटर से रैटलिंग साउंड आता है जो बहुत ही अनोइंग है। आप जब उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हैं तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बार देखने को मिली है। तो इसका एक सलूशन ये है कि एक फोम पैकिंग आती है उसको आप जो ए पिलर के पास जो ट्विटर्स हैं उस कभी कभी वो ढीले हो जाते हैं, हालांकि उसमें पैकिंग पहले से होती है लेकिन वो फिर भी ढीले हो जाते हैं समय के साथ और आवाज करने लगते हैं, रैटलिंग साउंड आने लगती है। तो उसके लिए ए पिलर को खोल के वो ट्विटर के पीछे वो पैकिंग फोम लगा देंगे, फोम पैकिंग डाल देंगे, जिसके वजह से वो हिलेगा नहीं और आवाज नहीं आएगी। साथ ही डैशबोर्ड सामने डैशबोर्ड से भी आवाजें आती हैं तो उसके लिए भी सोल्यूशन यही है कि वहां भी उसको खोल के उसमें थोड़ा सा फोम पैकिंग डाल देंगे जिससे वो रैटलिंग साउंड भी उबड़ खबड़ रस्तों पे जो आती है वो भी काफी कम हो जाएगी। तो ये थे टाटा टियागो में होने वाले एनवीएस लेवल या फिर इंजन नॉइज, गियर नॉब वाइब्रेशन और ट्विटर के रैटलिंग साउंड से छुटकारा पाने के कुछ तरीके, जिसको अगर आपके पास टियागो है तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप टियागो खरीदने जा रहे हैं तो भी आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपके पास टियागो है तो आप सर्विस सेंटर में जाकर उसकी एयर फिल्टर असेंबली को जरूर ठीक करें। वो टाटा सर्विस सेंटर के साथ आप शेड्यूल करके फिक्स करा सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा वीडियो टाटा टियागो के इंजन नॉइज, गियर नॉब वाइब्रेशंस और रैटलिंग साउंड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं सुनील इस चैनल पे ऐसे ही कार न्यूज, रिव्यूज, कार टेक्नोलॉजी और कार कंपैरिजन के वीडियोज लेके आता रहता हूँ। और अगर आपका कुछ डाउट हो, कुछ सवाल हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।